हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड. नाउ इंडिया इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द वाइजेस्ट नेशन हु रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट ऑफ अ ह्यूमन बींग. ये तब भी दिखा था व्हेन ईरान वॉज क्रिटिसाइजिंग इंडिया, बट देन कॉल इट इज़ अ वाइज नेशन व्हेन वी वोटेड अगेंस्ट ईरान. और ये तब भी दिखता है व्हेन इंडिया गेट री इलेक्टेड टू द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल. तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ये सिग्निफिकेंट है, जिसमें हम साथ में डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ के बारे में, साथ में देखेंगे यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल आपकी है क्या, ये कब बनी थी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और साथ में पूरा इसका इलेक्शन प्रोसेस देखेंगे अलॉन्ग विद द इश्यूज विद यूएनएचआरसी और किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है. तो चलिए एक एक करके बढ़ते हैं और ज़रा जानते हैं इसके बारे में. बट शुरुआत करते हैं इस सवाल से. पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली. यूएनएचआरसी इज़ अ यूएन बॉडी क्रिएटेड इन 1946 टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स. सेकेंड, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म ऑन अ रीजनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस. ये दो स्टेटमेंट है, एक बार दोनों को पढ़िए और ज़रा सोचिए इसमें से कौन सी सही है या दोनों ही सही हैं. वीडियो के एंड में इसका जवाब आपको पता होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूज़ से. रिसेंटली जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं UNHSRC, जहाँ उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, उसमें इंडिया द्वारा री इलेक्ट हो गई है और साथ में US ने भी ज्वाइन कर लिया है आफ्टर 3 ईयर्स, जब इसने क्विट कर दिया था 3 ईयर्स अगो जब ट्रंप वॉज ही प्रेसिडेंट ऑफ द US. एट दैट टाइम US ने UNHRC को क्विट कर दिया था ऑन सेइंग कि UNHRC इज़ अ रिलेटिवली बायस बॉडी. अब ये जो उनके ओपिनियन था वो तो बहुत ही क्वेश्चनेबल है, पर साथ में हम इस चीज़ को ज़रूर एनालाइज करेंगे कि हाउ मच ऑफ बाइसनेस इज प्रेजेंट इन द UNHRC और कितना फेयर रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे है. US के जो रीज़न थे वो कुछ ऐसे थे कि जो आपके इज़राइल कंट्री है उसके आसपास आपके पैलेस्तीन जो नेशन है, इज़राइल धीरे धीरे पैलेस्तीन को ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पर अपनी जो पेस है या जो अपनी रीच है वो बढ़ा रहा है. बिकॉज ऑफ विच द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड अगेंस्ट इज़राइल एंड एट दैट टाइम US वॉज नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज US और इसराइल के रिलेशनशिप और भी अच्छे चल रहे थे ट्रंप के टाइम पे. तो ये तो था कि क्यों US ने कुट किया. नाउ सिंस द चेंज ऑफ रिजीम, जब से यहाँ से ट्रंप गए हैं एंड न्यू जो बिडेन हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट, ही इज़ चेंजिंग और रिवर्सिंग द डिसीजन ऑफ हिज प्रेडिसर. तो इस केस में यहाँ पर यह भी हो गया है कि US ने वापस UNHRC को ज्वाइन कर लिया है. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले UN ह्यूमन राइट काउंसिल एक्चुअली है क्या. UN ह्यूमन राइट काउंसिल देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द UN, जिसका मेन एम ही है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट दोनों करना. प्रमोट भी करना है और साथ में प्रोटेक्ट भी करना है. ठीक है, अब ये कैसे करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे. बट दिस बॉडी वॉज फॉर्म्ड इन 2006 में ये बनी थी. और ऐसा नहीं था कि इससे पहले कोई बॉडी नहीं थी जो ह्यूमन राइट के लिए काम करे. इसी के सिमिलर नाम पे एक बॉडी थी, यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट. इट वाज दिस बॉडी जो कि 1946-47 के आसपास आपकी बन गई थी. 1947 में हमने सबसे पहले ये बॉडी बनाई थी यूएन में, विच वाज अ यूएन बॉडी. इसका एम भी यही था कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करना. बट देन इसके रिकॉर्ड्स काफ़ी शेडी थे इन टर्म्स ऑफ कि इसके जो बहुत सारे मेंबर्स थे उनके खुद के जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड थे वो काफ़ी वर्स थे. दे हैड अ वेरी बैड ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, जिसका एग्जाम्पल आपका सऊदी अरेबिया ही आ जाता है. सऊदी अरेबिया इसके मेंबर था और उसके खुद के रिकॉर्ड साफ नहीं थे. रिसेंट जर्नलिस्ट का केस भी आपने सामने से देखा है. Because of this, when Kofi Annan became the president of the UN, he decided कि इस बॉडी को हटा के इसकी जगह नई बॉडी बनाने की ज़रूरत है, जिसका मैंडेट तो सेम होगा बट उसको काफ़ी तरीके से एक तरीके से प्योरिटी दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ मेम्बरशिप, कि एटलीस्ट वही इसके मेम्बर हों जिनके खुद के ह्यूमन राइट बहुत ही साफ हों. राइट, आपके अपने गिरेबान साफ होंगे तभी तो आप दूसरों को जज कर सकते हो ना. ऑन दैट बेसिस इस बॉडी को अबॉलिश कर दिया गया, चूँकि 1947 में बनी थी और 2006 में आपके यूएन कमीशन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल बना दी गई थी. तो इस कमीशन को हटा के एक काउंसिल लाए गए. इस काउंसिल में एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया था, दैट इज़ एक्सपल्शन. दैट इज़ अ मेंबर कैन बी एक्सपेल्ड, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस काउंसिल अगर उसके जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड हैं वो अच्छे नहीं हैं या फिर वो ख़राब हो रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट इज़ कंसिडर कि ये बॉडी जब कमीशन को रिकॉर्ड करेगी तो बेटर होगी. समझ में आया, 1946 की वो बॉडी थी, 2006 में ये बनी क्योंकि पुराने वाली के रिकॉर्ड ख़राब थे. ठीक है, तो इस क्रेडिबिलिटी डेफिसिट को हटाने के लिए इसको बना दिया गया. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और अभी इसके 47 मेंबर्स हैं.
आगे चलते हैं, वापस आते हैं फंक्शंस के बारे में. वी टॉक्ड अबाउट इसके फंक्शंस क्या होते हैं, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट. अब उसके लिए ये क्या करती है, रेगुलर सेशन करती है एटलीस्ट 3 एवरी ईयर. कोई और यूएन बॉडी इतनी फ्रिक्वेंटली सेशन नहीं करती जितनी फ्रिक्वेंटली आपके यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल करती है. 3 एवरी ईयर, हर साल इसके कम से कम 3 रेगुलर सेशंस होते हैं जहां पे ये क्या करते हैं, मेंबर्स की जो कंडीशंस है, जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है, उसको रिव्यू करते हैं, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू. तो ये कि जो मेंबर्स हैं वो ह्यूमन राइट को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहे, उसके लिए रिव्यू होता है. और उसके लिए ये लोग 9 नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी पास करते हैं. सो दिस इज़ यूएन पीरियोडिक रिव्यू जो कि होता है. इसमें एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन भी होती है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो उस पर्टिकुलर बॉडी के जो मेंबर होते हैं वो एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन वहाँ रखी जाती है. सो दिस इज़ वाओ, इट इज़ फुलफिलिंग इट्स मैंडेट. तो क्या है, ऐसे याद रखना है, एम क्या है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करना है, ये हमें करना है. और किस तरीके से, हम यूनिवर्सल रिव्यू कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली. और उस रिव्यू में अगर अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप मेंबर रह सकते हो, अगर आप नहीं कर रहे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा ग्रुप से. राइट, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेट कि इसमें आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप फुलफिल नहीं करते हो उस कंडीशन को. चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में फर्दर. अब सबसे पहले हमने देखा कि इसके 47 मेंबर्स हैं, और ये जो 47 मेंबर्स हैं ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आते हैं, क्योंकि हमारे यूएन में कम से कम 193 मेंबर्स हैं राइट नाउ, लेकिन इसमें से 47 हैं. वी वांट टू मेक श्योर कि जो नेशंस यहाँ पे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, दे हैव टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. तो हमने क्या किया, यूएन में बहुत सारी बॉडी है जिनको इसी बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, और उसको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, वापस से रिविजन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा. इसके लिए हम ऑलमोस्ट 4-5 की ग्रुपिंग बना देते हैं. इस ग्रुपिंग को आप याद रखोगे और नंबर याद रखोगे, 13, 13, 8, 7, 6, 13, 13, 8, 7, 6, बस ये नंबर याद रखने हैं. इसमें से 13 जो सीट्स हैं वो अफ्रीका को मिलती है, 13, और 13 मिलेगी एशिया को, 13 अफ्रीका, 13 एशिया. उसके बाद 8, 7, 6 पर आ जाओ, जो 8 है वो लैटिन अमेरिकन और करीबियन कंट्रीज को मिलेगी, 8 सीट्स आ गई यहाँ पे, 13, 13, 8. अब बचा 8, अब आपका 7 और 6, जो 7 है वो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अदर नेशंस को मिलता है. 7 ये जो येलो से दिखा रखे हैं ना, जिसमें वेस्टर्न यूरोप तो आता है, साथ में आपका ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज भी आ रही है, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी आता है. और इसके बाद आपकी जो बचती है दैट इज 6, जो 6 सीट मिलती है वो आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मिलती है. इस तरीके से 47 मेंबर आपकी बॉडी है ये, और रीजनल रिप्रेजेंटेशन इसमें इंश्योर की जाती है. सो दिस इज यूएनएचआरसी. इसके जो हर मेंबर की टर्म है वो 3 साल की होती है विद अ कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें वो सिर्फ 2 टर्म सर्व कर सकता है, कि तीन साल की एक टर्म सर्व की, अगर वो चाहे तो दोबारा 3 साल की एक और टर्म सर्व कर ले, लेकिन उसके बाद उसको टर्म नहीं मिलेगी, कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिलेगी. मतलब ये हो गई तो उसके बाद दोबारा वो एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसी के बाद दोबारा ही इज़ नॉट एलिजिबल. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको 3 साल की टर्म मिलेगी बट विदाउट कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स किसी मेंबर को नहीं मिल सकती. इसीलिए इंडिया ने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं सर्व की हैं. हमने पहले सर्व किया था और हम वापस दोबारा आए हैं, बट नॉट इन बिटवीन हम नहीं आए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इशूज़ विद यूएनएचआरसी. यूएनएचआरसी के साथ इशूज़ क्या हैं, अगर यूएनएचआरसी के इशू देखा जाए तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ कि जो रिकॉर्ड्स हैं मेंबर्स के वो अभी भी ख़राब हैं. हमने काउंसिल बना दी कमीशन को रिप्लेस करके, और कमीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो मेंबर के रिकॉर्ड थे वो अच्छे नहीं थे, पर देखा जाए तो यहाँ पे भी नहीं है, बिकॉज स्टिल इसके जो मेंबर हैं वो सऊदी अरेबिया है, चाइना है, और चाइना में आपको पता है कि जिनजियांग और ये आपके जो बाकी रीजन्स हैं उसमें चाइना के रिकॉर्ड्स आर नॉट गुड, नॉट इवन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के रिकॉर्ड्स भी काफ़ी क्वेश्चनेबल हैं. स्टिल दे आर द मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी. इसके साथ नॉन कंप्लाइंस बहुत देखा जाता है कि इवन इफ यू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट दैट नेशन इज नॉट कंप्लाइंग विद द रिकॉर्ड टू द एक्सटेंट कि इसराइल के अगेंस्ट तो नियरली 70+ रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, बट आज तक नथिंग हैज एवर स्टॉप इसराइल कि वो पैलेस्तीन में अपने एक्शन को रोक सके. राइट, उल्टा दो आपके रिसेंटली यूएस आल्सो विड्रू ऑन सेइंग कि जो यूएनएचआरसी है वो इजराइल के अगेंस्ट बाइसेस कर रही है.
साथ में इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, दैट इज नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पावरफुल कंट्री. क्योंकि यूएन का भी आपको याद है कि पहला वन ऑफ द इशू था कि मैनी पावरफुल कंट्रीज वर नॉट पार्ट ऑफ द लीग ऑफ द नेशन, जिसके बाद लीग ऑफ द नेशन को यूएन से रिप्लेस किया गया. यहाँ पे भी देखा जा सकता है, जैसे रिसेंटली आपको यूएस में ही देखा गया, जब 2006 में ये बनी, देन इवन देन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो बुश थे एंड ही वॉज अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ दिस काउंसिल. And even recently 2017-18 के आसपास Trump withdrew from the UNHRC, जिसके से बहुत सारे powerful countries participate नहीं करते और कभी कभी इसका mandate इस तरीके से defeat हो जाता है. साथ में overall इसकी power खुद भी कम है क्योंकि ये non-binding resolution pass करता है and many countries do not oblige to it. अब ईरान के अगेंस्ट 70 resolution pass किए हैं, वो क्यों fulfill करेगी इस resolution को, कोई फायदा नहीं. इट्स लाइक अ recommendation. इंडिया में इतनी कमिटीज बनती है, कितनी कमिटी की recommendation fulfill होती हैं. तो UNHRC भी इन दैट वे एक recommending body बन चुकी है जैसे. Now this is where a work need to be done. Maybe इसके power बढ़ाने की ज़रूरत है, इसका mandate बढ़ाने की ज़रूरत है और बहुत ही actively इसको काम करने की ज़रूरत है, साथ में रिप्रेजेंटेशन. सो दिस इज़ वे UNHRC पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो एक ऐसी बॉडी बन सके जो कि सिर्फ पेपर टाइगर ना हो बट एक रोरिंग टाइगर हो. इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है. अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट UN ह्यूमन राइट काउंसिल और इसमें से कौन सी इसके लिए सही है. सबसे पहले, इट इज़ अ UN बॉडी क्रिएटेड इन 1946 टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स. 1946 में आपकी काउंसिल नहीं बनी थी, कमीशन बना था. ध्यान रखिएगा, आपकी जो काउंसिल है ये बनी है 2006 में, राइट. तो ऐसे डेट से कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही आपकी डेट्स लिखी होंगी और उसी से आप गलत जवाब दोगे. दूसरा, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3-year term ऑन अ रीजनल रिप्रेजेंटेशन. अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से रीजनल रिप्रेजेंटेशन होती है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट बट नॉट द वन. इसी के साथ आपका जवाब आपको मिल जाएगा. अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए. थैंक यू सो मच. करंट अफेयर्स बाय फोरम IAS इज एन ऑल इन वन प्रोग्राम दैट कवर्स द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. लास्ट ईयर वी हैव हेल्प्ड मोर देन 100 स्टूडेंट्स क्रैक IAS विद आवर करंट अफेयर्स क्लासेस.